आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, अभी लोगों के पास एंड्रॉयड 10 पहुंचा भी नहीं था, कई लोगों ने ठीक से उसको देखा भी नहीं था कि एंड्रॉयड 11 की घोषणा हो चुकी है। और उस एंड्रॉयड 11 में क्या है, उसके क्या क्या फीचर अभी हमारे सामने आए हैं, आखिर एंड्रॉयड 11 में क्या कोई उसका नाम है, क्या है, जो भी आपको जानना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं एंड्रॉयड 11 क्या है। और इस वीडियो को मैं शुरू कर देता हूँ ठीक अभी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड 11 आ चुका है, तो मैं आज बताने जा रहा हूँ एंड्रॉयड 11 के बारे में। सबसे पहले हम जान लें कि आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंड्रॉयड 11 एक्चुअली में डेवलपर्स प्रीव्यू एक वर्जन निकाला इन्होंने, और ये जो है इसमें ये होगा कि आपको जो भी डेवलपर्स हैं उस वो अपने मोबाइल पे इसे इंस्टॉल कर पाएंगे और इसे देख पाएंगे। और इसका एक नाम भी दे रखा है एंड्रॉयड आर, जो कि एंड्रॉयड 11 भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका पहला प्रीव्यू है, और भी इसके 2-3 प्रीव्यू आएंगे, और उसके बाद हमें उसका बीटा वर्जन को भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। और इसका जो एक्चुअल स्वरूप है, एक्चुअल जो एंड्रॉयड 11 है, वो हमें गूगल के आईओ जो होते हैं अप्रैल मई में होते हैं, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में एंड्रॉयड 11 में क्या क्या मेन फीचर है। दोस्तों, ये सभी के मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, जिन मोबाइल में इंस्टॉल होगा वो है गूगल का पिक्सल 2, 3, 3A, 4 या XL। तो इन मोबाइल पर आप इसे इंस्टॉल करके आप अभी एंड्रॉयड 11 का मजा ले सकते हैं, जो कि डेवलपर्स प्रीव्यू है फर्स्ट वाला। तो दोस्तों, इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि इसमें अगर आप इंस्टॉल करके देखेंगे तो इसमें ऊपरी तौर पर आपको कुछ भी ऐसा चेंज, बड़ा चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर काफी सारे छोटे-छोटे चेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5G भी आ रहा है, तो Android 11 5G को भी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, ये साथ में फोल्डेबल जो फोन होते हैं उसको भी सपोर्ट करेगा, वाटरफॉल जो ड्रॉप वाले फोन होते हैं उसको सपोर्ट करेगा, पिन होल या पंच होल वाले जो भी फोन होते हैं उसको भी अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में भी इम्प्रूवमेंट दिखा है, और वो ये है कि नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन बबल मिलेंगे। और ये क्या है कि फिलहाल अभी जो गूगल का मैसेंजर है सिर्फ उसी में ही ये बबल आप देख सकते हैं, बाद में जब डेवलपर या फिर जो भी कंपनी जिसे लेगी तो वो अपने हिसाब से अपने मैसेज में ये बबल का जो फीचर है वो डाल सकती है, और हमें जल्द ही अपनी जो फेवरेट ऐप है, जो मैसेंजर ऐप है, उसमें आपको ये बबल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ देखिए इसमें सेपरेट नोटिफिकेशन एरिया भी बनाया गया है, और ये एंड्रॉयड 10 में भी कुछ इस तरह का ही, लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन के लिए एक अलग से इसका आपको पूरा अलग से एक एरिया दिख जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सेपरेट भी कर रखा है। और यहाँ पर एक खास बात यह कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये क्या करेगा कि जो भी कॉल आती है, दूसरी चीजें होती है, वो वहां पर म्यूट कर देगा, और ये सारी सेटिंग के थ्रू ही होगा। और साथ में जब आप वीडियो इमेज खींच लेते हैं, मतलब आप पिक्चर क्लिक करते हैं, तो वहां पर भी ये जो वाइब्रेट की वजह से जो पिक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार जैसे नोटिफिकेशन आता है तो वाइब्रेशन आ जाता है, तो वहां पर भी ये इसे वाइब्रेट को कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें परमिशन में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जब पहले जब आप क्या करते थे, ऐप को इंस्टॉल करते थे, तो वो या तो क्या करता था कि सारी परमिशन मांग के एक साथ यूज करने का था, या फिर उसे डिनाई कर सकते थे। अभी एंड्रॉयड 10 में मैंने क्या देखा है कि आप या तो आप उसे ऑल टाइम के लिए आप उसे एक्सेस दे सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि भाई हम जब ऐप यूज करेंगे तब हम उस परमिशन को दें, या फिर हम उसे डिनाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड 11 में यह आया है कि आप उसे वन टाइम, जैसे OTP होता है वैसे, तो आप उसे वन टाइम परमिशन भी दे सकते हैं, या फिर आप बोलें कि जब ऐप यूज करेंगे तब उसे परमिशन दे सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक फीचर आया है, जैसे कि हम कोई फोटो या कुछ चीज भेजने किसी ऐप के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, उसे वन टाइम वाला उसे परमिशन देंगे, तो उससे ये होगा कि वो बाद में उसे यूज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर DND में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमें और भी काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें DND के लिए।
और दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा जो फोन है वन प्लस, इसमें एक्चुअली में ये वन प्लस की तरफ से ही स्क्रीन रिकॉर्डर मिला है, लेकिन यहाँ पर जो गूगल की ने जो एंड्रॉयड 11 में अपना स्क्रीन रिकॉर्डर निकाला है, इसमें यहाँ सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होगी, इसमें अभी जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये साउंड को भी रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी और साथ में कुछ सेटिंग भी हमें दे देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि डार्क मोड आजकल काफी ट्रेंड में है, और ट्रेंड में इसलिए भी है क्योंकि ये बैटरी काफी सेव करता है। तो गूगल ने अपने एंड्रॉइड 11 में डार्क मोड भी दे रखा है, और डार्क मोड में इतना अच्छा फीचर कर रखा है कि आप या तो उसे शेड्यूल कर सकते हैं कि जो भी टाइम के हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने बजे चालू हो, इतने बजे इसका डार्क मोड खत्म हो जाए, या फिर आप उसे एक नया ऑप्शन है कि सनराइज से लेकर सनसेट तक आप उसे अपसेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा आपको ये फीचर इन्होंने डार्क मोड में दिया है। साथ में इन्होंने जेस्चर कंट्रोल या फिर जेस्चर सेंस करके भी यहाँ पर आपको एक फीचर देंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, जैसे कि आप यूं किया तो आपका जो फोन के पास ले आकर अगर आपने आप हाथ ऐसा किया तो वो फोन में अगर म्यूजिक चल रहा है तो रुक जाएगा, फिर ऐसा हाथ ले गए तो वो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। और भी दूसरे जो जेस्चर है उसको उसके हिसाब से आप अपने जो भी ऐप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर टच की सेंसिटिविटी को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से जैसे कई लोग कोई स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो उसकी वजह से भी आपके टच में सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं आने वाला है, बल्कि और बेहतर हो जाएगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमेशा आती थी कि जब आप कुछ शेयर करने जाते थे तो ढेर सारी ऐप आपके सामने आ जाती थी, लेकिन अब ये होगा कि आपको जिस जिस ऐप के थ्रू या फिर जिस जिस के थ्रू आपको शेयर करना है उसे पिन कर दीजिए, तो वो पिन में आपको पता ही है कि वो ऊपर टॉप में आ जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था कि ये क्या करते थे, जो आपने शेयर कर रखा है रिसेंट टाइप के आपके जो ऐप हैं वो सामने आते थे, लेकिन अब जब आप पिन कर देंगे तो आपके फेवरेट वाले ही आपके सामने पहले आएंगे, बाकी सारी ऐप नीचे बाद में आएगी। और दोस्तों होता ये था कि जब आप ब्लूटूथ से गाना सुनते थे और अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते थे तो ब्लूटूथ ऑफ हो जाता था, लेकिन अब ये होगा कि आप जब ब्लूटूथ को ऑन रखेंगे और एयरप्लेन मोड भी ऑन किया तो ब्लूटूथ ऑफ नहीं होगा। लेकिन मैंने एंड्रॉयड 10 पे ये ट्राई करके देखा था कि जब एयरप्लेन मोड मैंने ऑन किया तो ब्लूटूथ ऑफ हो गया, लेकिन मैंने ब्लूटूथ को जब टच किया तो वो फिर से ऑन हो गया था। खैर ये तो एक छोटी सी ट्रिक हो गई थी, लेकिन एंड्रॉयड 11 में ये ब्लूटूथ ऑन ही रहेगा। और एंड्रॉइड 11 में स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट का भी इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसे स्क्रॉल करके थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये भी कर रखा है कि एंड्रॉइड की जो अपडेट है छोटी मोटी जो भी इसमें आएगी, जैसे कि ओएस चेंजेस भी होते हैं, तो वो अब प्ले स्टोर के थ्रू ये सारा देने की सोच रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एंड्रॉइड 11 का जो वर्जन हमें गूगल आईओ में देखने को मिलेगा ये ऐसा होगा कि हमें अब प्ले स्टोर से सारी हमें जो एंड्रॉयड की जितने भी अपडेट है वो प्ले स्टोर से ही मिला करेगी, कोई हमें जो कंपनी देती है वहाँ से नहीं मिलेगी। साथ साथ में स्पैम को भी रोकने के लिए भी काफ़ी अच्छा इसमें फीचर दे रखा है। और दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपर्स प्रीव्यू वर्जन ही फर्स्ट है, तो ये क्या होगा कि अभी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी आने वाले हैं और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर भी बड़े बड़े आएंगे, लेकिन बड़े फीचर कब आएंगे ये एंड हमें गूगल के आईओ में ही पता चलेगा। और धीरे धीरे इसका जो डेवलपर्स प्रीव्यू 1, 2 और 3 भी आएंगे, उसके बाद जब हमें बेटा वर्जन इसे टेस्ट करने को मिल जाएगा सभी लोगों को, तो हमें पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली में एंड्रॉयड 11 में हमें क्या मिलने जा रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि कई लोग एंड्रॉयड के जो स्वीट वाले वर्जन थे जैसे चॉकलेट कपकेक पाए ये सारा मिस कर रहे होंगे। तो अगर आप भी मिस कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी स्वीट वर्जन को मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गूगल ने एंड्रॉयड का एंड्रॉयड 11 नाम दिया है, इसका कोड नेम एंड्रॉयड आर है। तो दोस्तों ये तो थी गूगल की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज कि एंड्रॉयड 11 आ रहा है और उसका ये था डेवलपर्स प्रीव्यू वर्जन फर्स्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और जो गूगल ने एंड्रॉयड 11 में नए नए फीचर देने की कोशिश कर रहा है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या पसंद आया क्या नहीं आया प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आप बहुत इंतजार करूंगा, बेसब्री से इंतजार करूंगा। और आप मेरे अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।